23 जून 1757 की वो तारीख जिसने हिंदुस्तान की तकदीर तय की और ढकेल दिया भारत को 190 साल की गुलामी की ओर। आज से ठीक 267 साल पहले लड़े गए इन युद्धों ने ही भारत में गुलामी की नींव रखी थी। प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी नवाब सिराजुद्दौला और शातिर अंग्रेज सैनिक रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इस युद्ध में दास्ता है साजिशों की, वफादारियों की, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की गद्दी मिली। ये बात है 1707 की, जब मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही सल्तनत के पैर लड़खड़ाने लगे थे और शाही दरबार का रुतबा भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। ऐसे में सल्तनत के कई सूबे और प्रांत में बढ़ती गई और कई सूबेदार इन प्रांतों पर अपना हक भी जताने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में एक छत्र राज खत्म हो रहा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रांतीय शासक और अपनी प्रतिस्पर्धी शक्तियों से लड़ रही थी। व्यापारिक वर्चस्व के लिए फ्रांसीसियों से लड़ते हुए इसने स्थानीय राजनीति में भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। मुख्य तौर पर देश का सबसे अमीर प्रांत बंगाल हुआ करता था और अब अंग्रेजों का बंगाल में घुसकर अपने हिसाब से काम करना आसान नहीं था, क्योंकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों के संबंध अब अच्छे नहीं थे और युद्ध की स्थिति पूरी तरह से बन चुकी थी। मौजूदा समय के पश्चिम बंगाल से मुर्शिदाबाद के 20 मील दक्षिण की ओर कोलकाता से तकरीबन 100 मील की दूरी पर पलाश का एक जंगल हुआ करता था और इसी जंगल में 23 जून 1757 को खून की होली खेली गई। नवाब के खेमे में थे लगभग 50,000 सैनिक और साथ ही इनके पास में 50 तोपें भी थी। इस जंग में फ्रांस के 50 बंदूकधारी और तोपची भी सिराजुद्दौला के साथ थे। उधर अंग्रेजी खेमे में बात करें तो उनमें शामिल थे लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, जिनके पास सिर्फ 3 से 4 हजार सैनिक और तोप के नाम पर बस 12 तोपें थी। इसके बाद युद्ध की शुरुआत होती है। कम सैनिक होने के बावजूद अंग्रेज बाजी मान लेते हैं, जिसके पीछे का कारण होता है मीर जाफर। मीर जाफर असल में सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति था और अंग्रेजों से ये लालच मिलने पर कि जीतने के बाद उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, इसलिए इसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया और ऐसा हुआ भी। सिराजुद्दौला की हार के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, पर मीर जाफर मात्र एक कठपुतली शासक से ज़्यादा कुछ नहीं था। इसे अंग्रेजों के साथ की गई संधियों के जरिए बंगाल का नियंत्रण छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिराजुद्दौला की हार से अब बंगाल में फ्रांसीसी ताकत भी खत्म हो चुकी थी। प्लासी में जीत के बाद अंग्रेजी कंपनी ने व्यापार के साथ राजनीति में भी प्रवेश कर लिया और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब मीर कासिम को बना दिया था, पर अंग्रेज नहीं जानते थे कि मीर कासिम एक कठपुतली शासक नहीं है। अंग्रेजों से परेशान होकर मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई, जिसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेजों के हाथों में चला गया। इस प्रकार अंग्रेजों का वर्चस्व बनता चला गया। अब भारतीय कर राजस्व का उपयोग ब्रिटेन को निर्यात के लिए भारतीय सामान खरीदने के लिए किया जाने लगा। कंपनियों ने करों को इकट्ठा करने और अपने क्षेत्रों को निगरानी करने के लिए एक विशाल नागरिक और सैन्य प्रशासन बनाया और अब यह केवल वाणिज्य संगठन नहीं रहा बल्कि एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मंसूबों को भारतीय शासक भाप चुके थे और उन्हें ये मालूम था कि अब अंग्रेज केवल व्यापार करने के लिए भारत में नहीं हैं, उनके इरादे इससे कहीं आगे हैं। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध ही भारत की गुलामी का सबसे बड़ा कारण साबित हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।